पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी है अपने जमाने के बहुत ही मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ब्रजलाल जगनेश्वर भट्ट की, जिन्हें अमूमन विजय भट्ट के नाम से जाना जाता है। जन्म 12 मई सन 1907 में हुआ। जगह पालिताना, गुजरात। इन्होंने प्रकाश पिक्चर्स की नींव रखी। ये एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनी और उसके बाद प्रकाश स्टूडियोज बनाए, जो कि मुंबई के अंधेरी इलाके में है। विजय भट्ट फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे। इनका जन्म बेन कुंवर भट्ट और जगनेश्वर भट्ट के यहाँ हुआ, जो कि एक रेलवे गार्ड थे पालिताना, भावनगर जिले में। विजय भट्ट जब मात्र 20 बरस के थे, तभी अपने बड़े भाई शंकर भाई भट्ट के साथ मुंबई चले आए। इनके बड़े भाई ने एक नौकरी पकड़ ली थी और विजय भट्ट का दाखिला हो गया था सेंट जेवियर्स कॉलेज में। इन्होंने आगे जाकर इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और ट्रैक्शन में डिप्लोमा भी हासिल किया। इन्होंने बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड, यानी कि BST में काम शुरू किया था। वहां पर ये एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह काम करते थे। हालांकि गुजराती थिएटर के लिए इन्होंने कई स्क्रिप्ट्स पहले ही लिख ली थीं। इनकी मुलाकात हुई आर्दशीर ईरानी से। इसके बाद इनकी जिंदगी में एक अजब मोड़ आया। आर्दशीर ईरानी के साथ मिलकर इन्होंने काम शुरू किया। ईरानी साहब ने आगे जाकर फिल्म आलम आरा प्रोड्यूस की थी, जो कि भारतीय सिनेमा की पहली टॉकी सिनेमा मानी जाती है। आर्दशीर ईरानी रॉयल फिल्म कंपनी स्टूडियो को भी संभालते थे। वहां पर इन्होंने कंपनी के ओनर अबू हुसैन से विजय भट्ट की मुलाकात कराई। इनकी लिखी स्क्रिप्ट्स हुसैन साहब को बहुत पसंद आई और इस तरह से इनकी शुरुआत हुई। साइलेंट फिल्म थी विधि का विधान, उसके बाद पानी में आग और गुलाम। विजय भट्ट ने आगे जाकर दिल्ली का चेला नाम की एक साइलेंट फिल्म भी बनाई। इनकी शुरुआती फिल्म रही राम राज्य, जिसके बारे में बताया जाता है कि सन 1942 में महात्मा गांधी को भी दिखाई गई थी। ये फिल्म विदेश में भी दिखाई गई। सन 1952 में इन्होंने फिल्म बनाई बैजू बावरा, जो कि बैजू बावरा और तानसेन की जिंदगी पर आधारित थी। इस फिल्म में मीना कुमारी और भारत भूषण मुख्य भूमिकाओं में थे। मीना कुमारी को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड बैजू बावरा के लिए ही मिला था। विजय भट्ट ने ही मीना कुमारी को लॉन्च किया था फिल्म लेदर फेस के साथ। तब मीना कुमारी एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह काम करती थी। उनका नाम बेबी मीना था। विजय भट्ट साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है इनकी शादी हुई रमा भट्ट जी से। इस शादी से इन्हें दो बेटे हुए, अरुण भट्ट और प्रवीण भट्ट, और दो बेटियां। इनके बेटे अरुण भट्ट गुजराती फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने और दूसरे बेटे प्रवीण भट्ट एक जाने माने सिनेमेटोग्राफर। प्रवीण भट्ट के बेटे हैं विक्रम भट्ट, जो आज की तारीख में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं। विजय भट्ट साहब का करियर बहुत लंबा रहा। ये भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के दिग्गज कलाकारों में से गिने गए और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सिनेमा की नींव रखने वालों में विजय भट्ट साहब का नाम शुमार होता है। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।